डीजे मोरल स्टोरीज। शीतल ने जैसे ही नल को छुआ बिजली चली गई और शीतल साफ बच गई। ये भी दुर्गा माँ का ही चमत्कार था जो उन्होंने एन टाइम पर बिजली काट दी थी। दुर्गा माँ स्वयं गरबा खेलने आई। शीतल ने जब गरबा के लिए अपनी सहेलियों को जाते हुए देखा तो उसका मन भी डोलने लगा, लेकिन दूसरे ही पल उसे अपने हालात पर पछतावा होने लगा। उसकी पड़ोसन की लड़की हेतल गरबा के कपड़े पहनकर उसके पास मटकते हुए आई। शीतल, क्या देख रही है? मैं भी आज गरबा में जाऊंगी, वहाँ बड़ा कंपटीशन है, इस बार मैं ही जीतूंगी। तू तो गरबा में भाग लेगी नहीं, गरबा के लायक कपड़े नहीं है ना तेरे पास। मेरे पास कुछ पुराने कपड़े हैं, उसे पहनकर गरबा देखने के लिए तू आ सकती है। शीतल को बड़ा दुख हुआ और वो अपने घर के अंदर चली गई। माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने वो रो पड़ी। हे जगत जननी माँ, मैं तो बहुत अच्छी तरह गरबा खेलती थी, लेकिन अब मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, इसलिए गरबा में भाग नहीं ले पा रही हूँ। माँ, मैं अनाथ और गरीब क्यों हो गई? इस तरह से बदनसीब क्यों हो गई? मेरा कसूर क्या है? मैंने क्या पाप किया है? शीतल माँ दुर्गा के सामने बोली। सा शेर मौसी के पास आ गया और मौसी उस पर सवार हो गई। ये दृश्य देखकर शीतल पूरी तरह चौंक गई। मौसी साक्षात दुर्गा माँ बनकर शेर पर सवार हो गई। दुर्गा माँ स्वयं मेरे पास आई और मुझे प्यार से इतना सब कुछ दे दिया। माँ, तुम्हारी बड़ी कृपा हो गई, अब मैं भी माँ की पूजा करके गरबा खेलने जाऊंगी। शीतल जब गरबा की अच्छी सी ड्रेस पहनकर गरबा खेलने के लिए सहेलियों के पास पहुंची, तो सब उसे देखती ही रह गईं। उसकी सहेली हेतल तो पूरी तरह से चौंक गई। अरे शीतल, तुझे इतने अच्छे कपड़े और गहने किसने दिए? माँ दुर्गा ने दिए, उनकी बड़ी कृपा है। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। हेतल को बड़ी जलन हो रही थी। वो समझ गई कि यदि शीतल ने हर दिन गरबा में भाग लिया तो फर्स्ट प्राइज मार लेगी। उसके दिमाग में कुछ खुराफात आने लगी। शीतल, हेतल और उसकी सहेलियों ने गरबा में भाग लिया और वहाँ से छूटने के बाद हेतल ने अपने घर ले जाकर शीतल को शरबत पीने को दिया, जिसमें उसने एक दवाई मिला दी थी। शीतल, ये शरबत पी ले, सारी थकावट दूर हो जाएगी और कल गरबे में दोगुने जोश के साथ आएगी। अरे, ये कुछ कड़वा कड़वा लग रहा है, क्या इसमें कुछ मिलाया है? बहुत शक्तिशाली शरबत है, इसलिए ऐसा लग रहा है। पीना पीना, बहुत फायदा मिलेगा। शीतल ने शरबत पी लिया और घर चली आई। उसे रास्ते में चक्कर आ रहा था और वो गिर गई। उसके हाथ पैर में चोट आ गई, बुखार भी आ गया। दूसरे दिन वो गरबा खेलने लायक रही ही नहीं। हेतल को उसके बारे में सारी खबर मिल गई थी। हेतल मन ही मन खुश हो रही थी, उसके रास्ते का कांटा जो हट गया था। अब तो रोज गरबा में मेरा ही जलवा होगा, शीतल का पत्ता साफ हो गया, अब वो 4-5 दिन तक तो आ ही नहीं पाएगी। अब मेरा फर्स्ट प्राइज पक्का है। माँ दुर्गा ये जान गईं कि हेतल ने ही शीतल को शरबत में दवा मिलाकर पिलाई थी। शीतल की तबीयत ठीक नहीं है और वो कुछ दिनों तक गरबा नहीं खेल पाएगी। माँ दुर्गा स्वयं शीतल बन गईं और गरबा के पंडाल में पहुँच गईं। हेतल जब गरबा में पहुंची तो वहाँ सजी धजी शीतल को देखकर हक्की पक्की रह गई। अरे, ये तो बिस्तर पर थी बीमार, यहाँ कैसे आ गई? मेरी मेहनत बेकार हो गई, मैंने तो कुछ देर पहले इसे बिस्तर पर कराहते हुए देखा था और ये इतनी जल्दी ठीक हो गई और सज धज कर आ भी गई। क्या सोच रही हो हेतल, क्या इस बार भी शरबत पिलाना चाहती हो? कितना भी शरबत पिला लो, तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली है, बाजी तो शीतल के हाथ ही लगने वाली है। शीतल, ऐसा क्यों कह रही हो? शरबत तो मैंने तुम्हें बड़े प्यार से पिलाया था, उसमें ही चुपके चुपके से कुछ मिलाया था, ये भी बोल दो। हेतल को बड़ा आश्चर्य हुआ कि शरबत में कुछ मिलाने वाली बात शीतल को कैसे मालूम हुई, क्योंकि उसने जब वो दवा मिलाई तब उसके सिवा वहाँ कोई नहीं था। अब प्रतिदिन दुर्गा माँ शीतल के भेष में गरबा खेलने आने लगी
और हेतल जलने भुनने लगी। माँ दुर्गा अपनी शीतल को हर हाल में सफल बनाना चाहती थी। आखिरी दिन माँ दुर्गा की कृपा से शीतल पूरी तरह से ठीक हो गई। उसी दिन गरबा की प्रतियोगिता का आखिरी दिन भी था। गरबा शुरू हो गया। शीतल ने बहुत सुंदर गरबा किया। सभी उसे ही देख रहे थे। हेतल शीतल के साथ ही गरबा कर रही थी और उसे बड़ी जलन हो रही थी। उसने एक दो बार शीतल के पैर में पैर मारा, लेकिन शीतल बच गई। आश्चर्य की बात कि हेतल स्वयं गिर गई, उसकी बेइज्जती हो गई। शीतल शानदार ढंग से खेलती रही, खेलती रही। हेतल ने पंडाल के पास के वॉशरूम के नल में बिजली का तार जोड़ दिया था, ताकि जब शीतल उसे चालू करने जाए तो उसे शॉक लग जाए। वो शीतल को लेकर वॉशरूम में गई। शीतल जब नल के पास पहुंची तो रुक गई। रुक क्यों गई शीतल, हाथ मुंह धो लो, गरबा खेलकर बड़ा पसीना आ जाता है। हेतल चाहती थी कि जल्द से जल्द शीतल नल को छुए और उसे शॉक लग जाए। शीतल ने जैसे ही नल को छुआ, बिजली चली गई और शीतल साफ बच गई। ये भी दुर्गा माँ का ही चमत्कार था, जो उन्होंने एन टाइम पर बिजली काट दी थी। हेतल की योजना पर पानी फिर गया। वो शीतल के साथ घर लौटने लगी। अचानक शीतल की मौसी के रूप में दुर्गा माँ एक रथ पर बैठकर आ गईं। शीतल बिटिया बधाई हो, आज आपने बाजी मार ली है, चलो मैं आपको अपने घर पर ले चलती हूँ। शीतल ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। माँ आपकी बहुत बड़ी कृपा है, चलिए आपके साथ चलने पर मुझे भी बड़ी खुशी मिलेगी। शीतल दुर्गा माँ के साथ आगे निकल गई और हेतल ने जब पीछे मुड़कर देखा तो दुर्गा माँ का शेर भयंकर रूप बनाकर खड़ा था। बचाओ, मर गई नी। हेतल भागने लगी और शेर पीछे पीछे आने लगा। दोस्तों आ गए आप? आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। DJ Moral Stories.